नमस्कार दोस्तों, क्या सच में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ? एक छोटी सी गलती अब करोड़ों रुपए की पड़ेगी, क्योंकि यहां पे बात करी जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री ने सच में जियो हॉटस्टार डोमेन खरीदना भूल गए। मतलब jiohotstar.com आप डालेंगे तो वहां पे कुछ और दिखाई देता है स्टेटमेंट, और वो किस से रिलेटेड है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या रिलायंस ने जानबूझ इस पे ध्यान नहीं दिया, या वो इन चीजों पे फोकस ही नहीं करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे लोगों के द्वारा गलत रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो मेनली एक डेवलपर की वजह से जो कि दिल्ली में रहता है, उसने पहले ही जियो हॉटस्टार का डोमेन खरीद लिया था। मतलब jiohotstar.com आप सर्च करते हैं तो आपको वहां पे एक बड़ा सा स्टेटमेंट देखने के लिए मिलता है इस टाइप का, क्योंकि उसका जो माइंडसेट था वो इस वजह से था क्योंकि रिलायंस की तब बात आती है तो वो जियो टैगिंग करती है एंटरटेनमेंट पार्ट में, और वहां पे हम देखते हैं जियो सिनेमा हो गया, जियो सावन हो गया। तो जैसी ही बात करी जाए तो जियो और हॉटस्टार के मर्जर की बात आ रही थी, तभी उस डेवलपर ने जो डोमेन है वो खरीद लिया था jiohotstar.com। तो इसी वजह से डिमांड रखी गई थी उसके द्वारा रिलायंस इंडस्ट्री के, मतलब इंडस्ट्री को भेजी गई थी 1 करोड़ रुपए की, मतलब यूरो में पैसे मांगे थे। तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा उसे पूरी तरीके से डिनाई कर दिया गया था कि भैया डोमेन दूर रख, क्योंकि यहाँ पे लीगलाइजेशन की वजह से, क्योंकि तब बहुत बड़ी कंपनियों का मर्जर होता है, रिलायंस अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो एक छोटा सा डेवलपर है तो किसी भी कानूनी तरीके से वापस लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मतलब उसने भी ये कहा है कि मैं एक्चुअली सेल ही करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो मेरा ड्रीम है स्टडी करने का वो कैम्ब्रिज में है, उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, जो पैसे मांगे हैं वो यूरोप में, मतलब बात की जाए तो यूरोप में मांगे गए हैं। इसलिए यहाँ पे उसने पहले ही, तब उसने न्यूज देखी कि डिज्नी प्लस हॉट स्टार का और जियो का मर्जर हो रहा है, तो उसने उसी तरीके से दिमाग चलाया और एक्चुअली जियो hotstar.com खरीद लिया। लेकिन आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल मिल जाएगा, जिससे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको हमारी कैटलॉग मिल जाएगी जहां आप हमारे न्यूली प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि यहां पे अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि रिलायंस एक्चुअली अपनी प्रेजेंस नहीं देना चाह रहा है हॉटस्टार पे, क्योंकि जैसे ही वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देगा हॉटस्टार पे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी एक चीपेस्ट एंटरटेनमेंट पार्ट बन जाएगा। इसी वजह से उसने कभी भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया कि जियो हॉटस्टार कर लिया जाए, क्योंकि तब दो ही कॉम्पिटिटर, और हर किसी व्यक्ति को मालूम होगा जियो भी रिलायंस का और जियो सिनेमा भी रिलायंस का है, तो हम क्यों पैसे दें। और वो वहां पे ना मेंटेलिटी जो है लोगों की कि यार हॉटस्टार तो महंगा है, वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी आपको ये बात करी जाए तो अभी ऑफिशियल तौर पर मैं कहूँ तो अभी कोई भी माइंड सेट नहीं चल रहा है, पहले यही चल रहा था शुरू से लेके कि जब रिलायंस का मर्जर होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ तो जियो हॉटस्टार रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो न्यूज निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि आईपीएल भी हॉटस्टार को शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि महंगे सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिलते हैं, लोग इजीली खरीदते भी हैं बिना किसी टेंशन के, और दोबारा से कोई ऐसा लोगों का माइंडसेट ना हो जाए जैसे कि हमें जियो सिनेमा में देखने के लिए मिलता है, इसमें तो फ्री स्ट्रीमिंग है, 4K मिलता है, मतलब सब कुछ मिर्च मसाला मिल रहा है, लेकिन पैसे 29 रुपये पर मंथ लिए जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन के। तो ऐसा चीपेस्ट प्लेटफॉर्म दोबारा से ना बन जाए, तो इसलिए हॉटस्टार को थोड़ा सा दूरी रखा जा रहा है, क्योंकि वहां पे आप देखते हैं 300 रुपये पर मंथ तक के सब्सक्रिप्शन है, और आप ईयरली लेते हैं तो आपको 1000 से लेके 1500 तक के सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जियो पे आपको 29 रुपये पर मंथ का देखने के लिए मिलता है। इसलिए ऐसा ना हो कि जियो हॉटस्टार हो जाए, लोगों की निगाह में तुरंत ही रिप्रेजेंटेशन हो जाए कि अरे ये तो चीपेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप रिलायंस ने खरीद लिया, आप इसके अंदर कुछ नया नया करती रहेगी। इसलिए अब दोनों पार्टों को थोड़ा सा इंडिविजुअल रखा जा रहा है, क्योंकि शायद डिज्नी भी ना मूव करे कि डिज्नी का जो पार्ट है वो आपको इसी में देखने के लिए मिलता रहे, क्योंकि यहां पे सब्सक्रिप्शन जो कॉस्ट है वो बड़ी है, और रिलायंस भी कमाने के लिए ही आया है, कोई दक्षिणा देने के लिए नहीं आया है। तो इसलिए कोई जियो सिनेमा पे डायरेक्टली इफेक्ट ना पड़ जाए कि अरे मैंने तो इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मैंने इसका कि इंडस्ट्री दोनों तरीके से लूटने की कोशिश कर रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बड़ा मुश्किल लगता है कि 1 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्री जियो हॉटस्टार के लिए दे दे, क्योंकि वहां पे जो उनका माइंडसेट है वो क्लियर हो चुका है कि तब उन्होंने, मतलब एज पर न्यूज जैसे जैसे निकल के आ रही है कि आईपीएल शिफ्ट कर रहे की तैयारी चल रही है हॉटस्टार पे, और अब आपको जो 2025 का आईपीएल है वो हॉटस्टार पे देखने के लिए मिलेगा, तो मतलब बिना सब्सक्रिप्शन के तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है, मतलब जियो सिनेमा एक कॉम्पिटिटर ही बना रहे जियो हॉटस्टार के लिए, तो वहां पे जियो हॉटस्टार की रिप्रेजेंटेशन ना हो
वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ही रहे या हॉटस्टार रहे सिंगल, वो आने वाले टाइम में मालूम चल जाएगा। लेकिन ऐसी रिप्रेजेंटेशन का कोई भी अभी मतलब बात करी जाए तो एम नहीं दिखाई दे रहा है जियो के साइड से कि जियो हॉटस्टार रखे। अब देखते हैं बाकी आगे क्या होता है, लेकिन अभी कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं चल रही है इस चीज को लेके। बट हम रेगुलर अपडेट आपको करते रहेंगे, उसके लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, जैसे हम कोई नई वीडियो डाले आपको तुरंत मिले, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।